अगर क्रिकेट की बात हुई, एम एस धोनी का नाम ना आए तो संभव नहीं कि जो जब से उनका सिलेक्शन हुआ और अभी तक शायद वो गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने कीपर का, कि कीपर की जो क्वालिटी है, कीपर तो अच्छा होना चाहिए पर बैट्समैन भी बड़ा होना चाहिए। तो वो जो जो टाइम था एम एस का जो अभी तक चल रहा है, तो ये भी रिटायर हुए नहीं वो, उस टाइम पर कैसे अपने आप को आदमी मोटिवेट करता होगा कि हाँ मुझे खेलते रहना है, क्या पता हमें चांस मिले। वैसे बीच में स्लिप इन किया 2-3 बार आपने और एम एस के साथ सी एस के में भी खेला, पर वो टाइम क्या सोचते होंगे कि नहीं एम एस धोनी का जो स्टैंडर्ड जो बार उन्होंने रेस किया उसके पास पहुंचना, तो मुझे लगता है कोई पिछले अभी तक कोई पहुंचा होगा या आगे कोई पहुंच पाएगा? बिल्कुल, वो तो सोच मैं वो साइड पे सोच ही नहीं रहा था। जैसे मैं चीज मैंने अभी पहले बताया कि हम सब लोग जो भी विकेट कीपर्स थे वो सेकंड विकेट कीपर के लिए ही कम्पीट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि शायद बीच में कहीं एक आध टेस्ट मैच खेलने को मिल जाए, कहीं इंडिया के लिए टेस्ट मैच वापस खेलने को मिल जाए। लेकिन उस टाइम पे आपको मैं सोचता था कि रणजी ट्रॉफी होगा, डिस्ट्रिक्ट का मैच होगा, क्लब का मैच होगा, कोई भी मैच होगा, मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मेरा एक इंटेंसिटी से मैं खेलता हूँ, मैं उसी इंटेंसिटी से कोई भी लेवल का मैच होगा वैसे ही खेलूंगा और उसी तरह से प्रैक्टिस भी करूंगा और उसी तरह से हर मैच से पहले प्रिपेयर भी करूंगा, ताकि अगर मेरा कभी भी कॉल आए या कभी भी मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले तो मैं ऐसे कोई एलियन कंडीशन में ना पहुंचूं। वो मेरे दिमाग में हर बार रहता था। और सबसे बड़ी चीज वो होती है कि आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपको पता है कि इंडिया का जो कैप्टन है वो विकेटकीपर है, तो वो चीज़ वो जगह तो है ही नहीं, तो वो वहाँ सोच वो रियलिटी आपको अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो फिर जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, आपकी बहुत सारी चीज़ें वो आप नहीं आती, आप वही सोचते हो कि मैं अपना गेम कैसे इम्प्रूव करूँ और मैं अपना कैसे टीम को जिताने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूँ।